फ्रेंड्स, दिस इज कुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट पर्सन को अपने रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए किन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिफोर इन्वेस्टिंग मेरी दो एडवाइस है आपको। सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपको 3 से 6 महीने के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर सके। वो इमरजेंसी फंड अब अपने सेविंग अकाउंट में, फ्लेक्सिबल FD में या लिक्विड फंड में आप पार्क कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर आपको कवर कर सके। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सेकंड, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। थर्ड, RBI के फ्लोटिंग रेट टैक्स बॉन्ड्स। फोर्थ, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिफ्थ, पोस्ट ऑफिस MIS। सिक्स्थ, डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। इसमें आप अप टू 15 लाख तक का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उस केस में अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो बिफोर 1 ईयर आप नहीं कर सकते हैं। वैसे इस स्कीम का 5 ईयर्स का लॉक इन है, बट आफ्टर 1 ईयर कुछ पेनल्टी के साथ आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट में ओपन करते हैं ये पर्टिकुलर अकाउंट, तो आप अप टू 30 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सेकंड, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये LIC के द्वारा आप कर सकते हैं। LIC में आप PMPVY स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 10 इयर्स का एंड करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप एक पेंशन ले सकते हैं। इसकी भी लिमिटेशन है, 15 लाख से ज़्यादा एक पर्सन पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसको आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं करा सकते हैं कंपेयर टू द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर आपने इसमें पैसा डाला है तो इधर इन केस ऑफ डेथ या क्रिटिकल इलनेस के केस में ही आप इस पैसे को विड्रॉ करा सकते हैं। ये था PMPVY। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। इसके लिमिट 4.5 लाख है पर पर्सन की। अगर आप जॉइंट में ओपन कराते हैं तो 9 लाख तक आप ओपन करा सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6% है और आपको एक मंथली पेंशन के फॉर्म में ये मिलता जाएगा। इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। इसके बाद ऑप्शन आता है गवर्नमेंट के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। पहले ये फिक्स रेट बॉन्ड्स हुआ करते थे जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% थी, बट 2020 के बाद में अब जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फ्लोटिंग रेट पे हैं, वो 7.15% है। जो लॉक इन पीरियड है इसका भी 5 ईयर्स है। इसमें जो भी इंटरेस्ट आता है वो हाफ ईयरली आता है। हाफ ईयरली आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी अमाउंट को इस बॉन्ड में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में और कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में पैसा पार्क करके इंटरेस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की SBI की अभी जो रेट है 6.2% है 5 ईयर्स के लिए, और वही अगर आपने कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर 99 मंथ्स के लिए पार्क होता है तो उसमें आपको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.80% मिलेगी। सो ऑब्वियसली बैंक फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा बेटर रिटर्न आपको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट देते हैं, बट अगैन आई वुड सजेस्ट कि अगर कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में अगर जाते हैं तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस HDFC लिमिटेड की FD ही रहेगी। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी FDs हैं मार्केट में, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। इसके अलावा रेगुलर इनकम के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं तो रेंटल इनकम भी आपके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स होगी।
और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में या फिर इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फाइनेंशियल लिटरेसी। थैंक यू।